नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोनस के बारे में। देखिए, अभी बहुत सारे बात चल रहा है बोनस 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 बोनस, दिवाली बोनस मिलेगा, दिवाली बोनस मिलेगा। रेलवे वाले को दिवाली बोनस डिक्लेयर किया गया है 78 डेज का। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर सब देख भी रहे हैं और पेपर सब में भी देख रहे हैं। तो पोस्टल डिपार्टमेंट सारे, बहुत सारे मिनिस्ट्री है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर आता है, लेकिन रेलवे भी एक मिनिस्ट्री है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट है। जैसे हम लोग का पोस्टल डिपार्टमेंट है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट है। डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो जितने भी मिनिस्ट्री वगैरह सब है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर आता है। तो उन लोगों को कितना बोनस दिया जाएगा, तो इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है रेलवे डिपार्टमेंट में जो काम करता है रेलवे एम्प्लॉय को 78 डेज का बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जैसे उसका जो है 7,000 मिनिमम रखता है, 7,000 सैलरी। मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, उसका 7,000 सैलरी मिलता है, 7,000 पे डेज कैलकुलेट किया जाता है। सपोज रेलवे डिपार्टमेंट को 78 डेज का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम अभी करेंगे। तो आपको नॉर्मल बेसिक चीज़ जो है, बेसिक सैलरी आप 7,000 ही लेंगे, और यहाँ पे 78 डेज है ना, डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड 0.4 करेंगे। उसी तरह हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट 7,000 है, गुना 60 डिवाइडेड बाय 30.4। तो हम अभी मोबाइल पे कैलकुलेट करके देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग तो रेलवे में नहीं काम करते, हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट में। तो जितने भी पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई है, गैजेटेड छोड़ करके, मतलब नॉन गैजेटेड ग्रुप बी का नॉन गैजेटेड ऑफिसर, और जो भी सी डी जो भी कैटेगरी इंक्लूडिंग जीडीएस ग्रुप डी ग्रुप सी और ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, उन लोगों को बोनस दिया जाएगा दिवाली बोनस। ठीक है, तो अभी कैलकुलेट करके देखते हैं, इंटू 60 डिवाइडेड बाय 30.4। तो हम लोग को आने का संभावना है 13,815 रुपया 78 पैसा होता है, तो 13,816 रुपया पोस्टल डिपार्टमेंट को। ठीक है, रेलवे छोड़ करके जितने भी मिनिस्ट्री है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, सबको 13,816 रुपया आने का संभावना है। और इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम करता है, इंटू 78 डेज डिवाइडेड बाय 30.4। तो उन लोगों को 17,960 रुपया मिलने का संभावना है, 17,960 रुपया 17,960। ये रेलवे डिपार्टमेंट वाले के लिए है, और 13,816 रुपया ये है पोस्टल डिपार्टमेंट या और भी जो मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन लोगों को। तो अभी यहाँ पे माइनस करते हैं 13,816 रुपया, तो 4,144 टका बेसी मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो रेलवे मिनिस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों। तो जितने भी जीडीएस लोग हैं ग्रामीण एरिया में काम करते हैं, चाहे एबीपीएम हो, चाहे बीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, चाहे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई एमटीएस हो, पोस्टल असिस्टेंट हो, चाहे मेल गार्ड हो, पोस्टमैन हो, ये एसपीएम हो, सारे लोगों को, चाहे इंस्पेक्टर, हम लोग का जो इंस्पेक्टर होता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, वो बी ग्रुप का नॉन गैजेटेड ऑफिसर होता है। ठीक है, वो गैजेटेड नहीं है, लेकिन हम लोग का जो एएसपी है और हम लोग का जो एस सुपरिटेंडेंट है, वो लोग गैजेटेड ऑफिसर के अंडर आता है। तो उन लोगों को बोनस नहीं मिलेगा, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस पीएलबी। लेकिन जो भी जीडीएस है एमटीएस है, सबको बोनस दिया जाएगा। कितना बोनस दिया जाएगा, 13,816 रुपया। जितने भी मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सबको 13,816 रुपया दिया जाएगा, एक्सेप्ट रेलवे। रेलवे वाले को थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, डिफेंस का पता नहीं कितना दिया जाता है, आई एम सो लिटिल कन्फ्यूज्ड, लेकिन हमको लगता है उतना ही दिया जाता है। क्योंकि एक चैनल था उस पर देख रहे थे, वो लोग भी ऐसे ही, उन लोगों का भी बेसिक 7,000 ही लिया जाता है और 60 डेज का बोनस दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से है। और बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि बोनस कितना दिया जाएगा, तो 13,816, और किसको दिया जाएगा, तो जो कैंडिडेट्स 2023
24 में ज्वाइनिंग लिया है उन लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 31 मार्च के बाद जो भी ज्वाइनिंग किया है, और इधर 2024 चल रहा है, यानी कि 31 मार्च से पहले जो भी ज्वाइन किया एक साल के अंदर, यानी कि 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक जो भी ज्वाइनिंग किया है उन लोगों को बोनस दिया जाएगा 13,816 रुपया, ठीक है। अब ये नहीं कि फरवरी में ज्वाइनिंग किया है तो उनको भी 13,816 दिया जाएगा। उसमें क्या होता है कि मंथ का निकाला जाता है, ठीक है, एक एक मंथ का निकाल लो, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो 12 से, जितने महीने आपने काम किया है। वैसे तो बोला जाता है 6 मंथ रेगुलर ड्यूटी करना पड़ता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो तब बोनस दिया जाता है। हो सकता है कि जो फरवरी या जनवरी में ज्वाइन किया उन लोगों को नहीं भी मिले। एक्चुअल में बोनस अगर महीने का निकाले तो दिया भी जा सकता है। जैसे मान लो सपोज अभी आपको एक महीने का कैलकुलेट करके बता देते हैं। सपोज मान लो कुल कहना है, मान लो कि हम लोग का मिलता है 7,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 13,816 डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो 1,151 एक महीने का निकलता है। हाँ, 1,151 एक महीने का निकलता है बोनस। अगर कोई 31 मार्च से पहले यानी फरवरी में ज्वाइन किया है तो 1,151 मिल सकता है। अगर जनवरी में किया है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी मंथ में आपने काम किया है, जितने मंथ आपने काम किया एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको उतना से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। एक साल में तो 12 महीना ही होता है, तो हाईएस्ट 12 महीना से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो जैसे मान लो कोई कैंडिडेट्स है 1,151 × 5, 5 महीना वो काम किया है, तो 5,755 उसको मिलेगा बोनस। तो जितने भी मंथ काम किया है, जितने भी मंथ आपने काम किया है उसको मल्टीप्लाई कर देना 1,051 से, तो निकल जाएगा। अगर आपने 12 महीना लगातार काम किया है, जैसे हम लोग पुराने स्टाफ है तो हम लोग 12 महीना सियोर काम किए हैं, तो हम लोग को 13,816 रुपया सियोर मिलेगा ही। कन्फ्यूज़न आता है कि जो नए नए स्टाफ ज्वाइन किया है उन लोगों में कन्फ्यूज़न आता है, तो अपना कैलकुलेट करके निकाल लेना। कोई भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बस वही सब चीज़ मिलता है। बस रेलवे वाले के लिए अभी खुशखबरी आया है, अभी जितने भी मिनिस्ट्री है उन लोगों के लिए कोई भी खुशखबरी नहीं है, ना ही डीए का खुशखबरी है, डियरनेस अलाउंस का, ना ही बोनस का, ठीक है। सुने हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो उन पर केस कर दिया है, तो पता नहीं कब ये सब ऑर्डर पास होगा। अभी तो कोई कन्फ्यूज़न, अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं है हमारे तरफ से, अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अब देखते हैं कब जल्दी न्यूज़ आएगा, क्योंकि अभी दशहरा चल रहा है, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, और दिवाली से पहले बोनस आने का संभावना रहता है। तो अभी देखो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा मिनिस्ट्री से, तब तक वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।